हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों, रेडमी नोट 12 प्रो सीरीज, जैसा कि आपको पता है Xiaomi की रेडमी नोट सीरीज इंडिया के अंदर काफ़ी पॉपुलर मानी जाती है मिड रेंज सेगमेंट के अंदर, क्योंकि यहां पर काफ़ी यूनिक फीचर्स ऑफर की जाती हैं काफ़ी अग्रेसिव प्राइस पॉइंट पर। इस सीरीज के स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा सेल भी किए जाते हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूँ, रेडमी नोट 12 प्रो 5G सीरीज ऑफिशियली कन्फर्मेड हो चुकी है। इस सीरीज के रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आ चुकी है, साथ ही साथ इस सीरीज का लॉन्च भी कंफर्म हो चुका है। तो चलिए बात करते हैं Redmi Note 12 Pro 5G सीरीज के अंदर कितने स्मार्टफोन्स होंगे, क्या प्राइस होगी और ये कब तक लॉन्च होने वाली है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, सो बने रहिए। बट गाइस, यार आप एक छोटा सा काम कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि ये एकदम फ्री है, सो प्लीज कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये सीरीज पहले चाइना के अंदर लॉन्च होगी, उसके बाद इंडिया के अंदर रीब्रांड करके लॉन्च की जाएगी। जिस तरह प्रीवियस रेडमी नोट 11 सीरीज पहले चाइना में गई थी, उसके बाद इंडिया के अंदर रीब्रांड होकर Xiaomi के अंडर में Xiaomi 11 आई के नाम से लॉन्च की गई थी। सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो होगा, पहले ये चाइना में जाएगी, उसके बाद इंडिया के अंदर रीब्रांड होगी Xiaomi 12 आई के नाम से, और इंडिया वाली अलग ओरिजिनल नोट 12 सीरीज होगी, जिसमें फीचर्स डिफरेंट होंगे और प्राइस में भी डिफरेंस होने वाला है। दोस्तों, इसमें पहले तीन स्मार्टफोन्स आएंगे, Redmi Note 12, 12 Pro और 12 Pro Plus, तीनों 5G के साथ आएंगे। दोस्तों, इसके जो टॉप वेरिएंट्स होंगे 12 Pro 5G और 12 Pro Plus 5G, यहां पर बताया जा रहा है कि 12 Pro 5G के अंदर 120 वॉट की अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा। इसके अलावा 108 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरास विद OIS, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी, Qualcomm Snapdragon 780G 5G चिपसेट जो कि मिड रेंज सेगमेंट के अंदर स्टैंड करता है, गेमिंग आपको काफी तगड़ी कराता है, साथ ही साथ LPDDR5 रैम और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिल जाएगा। इसमें डिस्प्ले दी जाएगी 120 हर्ट्ज की सुपर एमुलेट डिस्प्ले विद साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी। तो ये स्पेक्स आपको 12 प्रो 5G के अंदर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं 12 प्रो प्लस 5G की। तो गाइस, निकल के आ रहा है इस फोन में आपको 210 वॉट की चार्जिंग मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, 10 वॉट की फास्ट चार्जिंग, जो कि आई थिंक पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम होने वाला है। इसके अलावा 200 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरास मिल जाएंगे और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी होगी। इस फोन में मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 5G चिपसेट ऑफर किया जाएगा, जो कि मीडियाटेक का न्यू चिपसेट है। बाकी इसमें LPDDR5 रैम और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप भी होने वाला है। यहाँ पर डिस्प्ले होगा 120 हर्ट्ज का सुपर एमुलेट डिस्प्ले विद साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी। दोस्तों, अगर डिजाइन की बात करते हैं तो इन दोनों स्मार्टफोन्स का डिजाइन काफी सिमिलर होने वाला है Xiaomi 12 सीरीज से। रियर साइड में ग्लास होगा विद मैट फिनिश, ट्रिपल कैमरास की हाउसिंग होगी, LED फ्लैश होगी और Redmi की ब्रांडिंग होगी, प्लास्टिक का फ्रेम होगा, सेंटर पंचुअल डिस्प्ले डिजाइन के साथ ये आने वाले है। तो डिजाइन भी आपको काफी प्रीमियम लेवल की मिल जाएगी। और अगर फाइनली इनकी प्राइसिंग और लॉन्च डेट की बात करते हैं तो गाइस, 12 प्रो 5G स्मार्टफोन की प्राइस होने वाली है एक्सपेक्टेड 15,000, जबकि 12 प्रो प्लस 5G की प्राइस एक्सपेक्टेड 20,000। दोनों स्मार्टफोन्स लगभग 15 से 20 हज़ार के प्राइस पॉइंट पर चाइना के अंदर लॉन्च किए जाएंगे, बट इंडिया के अंदर ये 20 से 25 हज़ार के प्राइस पॉइंट पर लॉन्च किए जाएंगे। लॉन्च डेट की बात करते हैं तो ये स्मार्टफोन सीरीज अक्टूबर के एंड तक लॉन्च कर दी जाएगी। तो होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।